जय गुरु, जयो तो श्री श्री बाबा मुनि। बाबा मुनि ने अपना पूरा जीवन काम और पूजा के लिए समर्पित कर दिया। उनका निःस्वार्थ प्रेम उनके सभी कार्यों में झलकता था। वह हद से ज्यादा उदार थे और उनमें सचमुच दिव्य हास्य की भावना थी। उन्होंने उदाहरण से प्रेरित होकर और बाबा मुनि को समवेता उपासना करते हुए देखकर धन्य पर्यवेक्षक में भी ईश्वर की पूजा करने की इच्छा पैदा की। प्रेरित उत्साह के भाव से भरा उनका मंत्रोच्चार सुनने से हमारे अंदर मंत्र सीखने की इच्छा पैदा होती है। उसे देखने से तल्लीनता की उसी गहराई का अनुभव करने की इच्छा जागृत होती है। एक कुशल शिल्पकार की तरह उन्होंने जप के सभी उपकरणों का उपयोग किया। मंत्र, प्राणायाम और आसन, केंद्रित ध्यान और गहन सम्मान के साथ उन्होंने हर अनुष्ठान को प्रेम और समर्पण की भेंट में बदल दिया। बाबा मुनि की शिक्षाएं बौद्धिक समझ को एक मजबूत आधार बनाती हैं, जिस पर हमारी भक्ति प्रथाओं को खड़ा किया जा सकता है। उनके पास ज्ञान बुद्धि को भक्ति और समर्पण के साथ जोड़ने का उपहार था। उन्होंने एक साधक को सिखाया कि एक अनुशासन बनाने के क्यों और कैसे के बौद्धिक चिंतन से आगे बढ़कर वास्तव में महान मंत्र प्रणव ओम की प्रार्थना के लिए बैठने के व्यावहारिक अनुप्रयोगों की ओर बढ़े। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि कैसे बैठना है, कैसे सांस लेना है, गुरु के साथ एकता और भगवान के साथ एकता कैसे प्राप्त करनी है। इससे भी अधिक असाधारण बात यह है कि वह अपने सभी कार्यों में समान भाव बनाए रखने में सक्षम था। चाहे वह उपासना कर रहे हों या विग्रहा में ओम का जाप कर रहे हों, चाहे अथक रूप से पत्र लिख रहे हों या अपने काम के लिए लकड़ी काट रहे हों, चाहे आश्रम के लिए ईंटें बना रहे हों या आश्रम के निर्माण या रखरखाव में सहायता दे रहे हों, उन्होंने पूरे समय वही प्रेमपूर्ण भाव बनाए रखा। उनके लिए सांसारिक लक्ष्यों का पीछा करने के लिए काम पूरा नहीं किया जाना था, बल्कि उन्हें प्यारे भगवान के लिए एक विनम्र प्रसाद के रूप में माना जाना था। बाबा मुनि ने जोर देकर कहा कि आध्यात्मिक होने का मतलब स्वीकार करने से अधिक देना है। ब्राह्मण जीवन जीने का अर्थ है अपने आचरण को आदर्श के अनुरूप बनाना। सभी बड़े या छोटे के लिए प्यार। श्री श्री बाबा मुनि मुखर्जी टीके धनबाद द्वारा निर्मित। जन्म से बंगाली बंकिम चंद्र गंगोपाध्याय, सतीश चंद्र गंगोपाध्याय और ममता देवी के पुत्र थे। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को चांदपुर जिला में हुआ था। कुमिल्ला, बांग्लादेश। हालांकि कई शिष्य अनुयायी उस तारीख को 22 दिसंबर 1855 मानते हैं। बताया जाता है कि उनका जन्म असल में बंगाली संवत 1306 बंगाली महीने पौष के दूसरे मंगलवार को हुआ था। चांदपुर में रहने वाला गंगोपाध्याय परिवार अपने वित्तीय योगदान और साल भर आध्यात्मिक गतिविधियों में समर्पित रहने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। सतीश चंद्र गंगोपाध्याय ने कई भक्ति गीत लिखे और अपने प्रिय की तलाश में कठोर जीवन व्यतीत किया।
जब बंकिम का जन्म हुआ तो ऐसा ही माहौल था, मानो वह गंगोपाध्याय परिवार की हार्दिक प्रार्थनाओं का ईश्वर की ओर से उत्तर था। केवल तभी हम वास्तव में अंतर्निहित दिव्यता के पोषित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो हमारे पास जन्म से मौजूद है, लेकिन जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उनका गहरा प्रेम, उनकी सहज समझ और उनका आध्यात्मिक अनुभव उनकी प्रत्येक वाणियों, कहावतों और पुस्तकों में स्पष्ट है। उन्होंने न केवल किताबें लिखी बल्कि वे इसके आदर्श और दर्शन के जीवंत प्रमाण थे। वह धर्म ग्रंथों के प्रत्येक चरित्र को इतनी तीव्रता से जीवंत करते हैं कि हमें यह एहसास होने लगता है कि ये वही पात्र हमारे भीतर मौजूद हैं। तब हम यह सीखने में सक्षम होते हैं कि हम खुद को तब तक कैसे शुद्ध कर सकते हैं जब तक हमें भी अपनी दिव्यता का एहसास न हो जाए। एक बार जब दैवीय रूप से नियुक्त मिशन, जिसके लिए उन्हें इस धूल भरी धरती पर आना था, सच में पूरा हो गया, तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया जो तब तक कमजोर और अनुत्तरदायी हो चुका था। 21 अप्रैल 1984 को उन्होंने अपने अस्तित्व को आत्मा की आनंदमय सर्वव्यापीता के साथ विलीन करने के लिए इस नश्वर शरीर को स्वर्गीय निवास के लिए छोड़ दिया। हमें इस तथ्य से सांत्वना मिलती है कि यद्यपि बाबा मुनि ने अपने अंतिम अवतार के दौरान जो भौतिक पोशाक पहनी थी वह नष्ट हो गई है, उस शरीर के भीतर निवास करने वाली आत्मा की चिंगारी अभी भी हमारे साथ है, हमें माया के चंगुल से बचा रही है और हमें समुद्र के किनारे ले जा रही है। भगवान का आनंदमय राज्य। हालांकि हमारे लिए इस सांसारिक भौतिक जगत के कम नश्वर लोगों के लिए श्री श्री बाबा मुनि का निधन वास्तव में एक अपूरणीय क्षति है, न केवल अखंड समाज के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के लिए। इस रिक्तता को भरना असंभव है। वह विचार की सभी प्रणालियों के स्वामी थे, जिनकी संख्या लगभग 100। वह अमूल्य विरासत है जो उन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के लिए छोड़ी है। उनकी किताबें पढ़ना, जिनमें से अधिकांश उनके तात्कालिक बिना सोचे समझे प्रवचनों का परिणाम है, अपने आप को परम वास्तविकता के अनुरूप स्थापित करना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस आध्यात्मिक संत और विद्वान के जीवन और शिक्षाओं को याद रखें। एक अत्यंत विनम्र, निश्चल और विनम्र आत्मा, जिनकी उपस्थिति मात्र से एक गहरी शांति और शांति का अनुभव होता था, जो फूल की मीठी खुशबू की तरह उनसे निकलती थी। महाप्रयाण 21 अप्रैल 1984, महासमाधि 27 अप्रैल 1984।